हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन में कछुए के जरिए अमेजिंग ड्राइंग कैसे करें, कछुआ यानी कि टर्टल। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कमांड खोल लेते हैं। कमांड खोलने के बाद अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल टॉल टॉल, तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा पहले से ही इंस्टॉल है, इसीलिए मैं सिंपली इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा पहले से इंस्टॉल, इसीलिए एक एरर थ्रो कर रहा है। मैं इसको सिंपली क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद अब हम अपना VS कोड खोल लेते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पे एक नया फाइल बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं ट्यूट्स 6.py। मैं ये पहले वाले को क्लोज कर देता हूँ विंडो को। और यहाँ पे अब हम सीखेंगे ड्राइंग कैसे करें। तो उसके लिए आपको लिखना होगा फ्रॉम टॉल टॉल, जो कि हमने इंस्टॉल किया था। फ्रॉम टॉल टॉल इम्पोर्ट इम्पोर्ट स्टार। उसके बाद लिखना होगा फ्रॉम रैंडम। मैं इधर इसका ये लिख दे रहा हूँ कि आपको क्या इंस्टॉल करना है। पिप कहकर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल टॉल, ताकि जब आप सोर्स कोड ले तो वहाँ से भी आप देख कर कर सके। और यहाँ पे लिख दूँगा रैंडम इम्पोर्ट रैंडिट। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर BG कलर, यानी कि हमारा विंडो का बैकग्राउंड कलर कितना हो, कौन सा कलर का हो। तो उसको अब हम कर देते हैं, अभी तो ब्लैक ही रहने देते हैं। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू वन, स्पीड स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इज जीरो। और यहाँ पे लिखेंगे सेप सेप इज इक्वल टू टॉल टॉल। और यहाँ पे अब वाइल लूप को लगाएंगे, वाइल एक्स इज लेस देन 400। और यहाँ पे अब लिखेंगे आर इज इक्वल टू आर इन रैंडिट। रैंडिट 0.255। यहाँ पे फिर से लिखेंगे जी इज इक्वल टू रैंडिट 0.255। मैं सिंपली इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं इसका सिर्फ ये कलर चेंज कर देता हूँ B। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे पेन कलर इज 5+X। फॉरवर्ड फॉरवर्ड किस एंगल से हो। पेन कलर यहाँ पे हमें आर ये जो लिखा था वो हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, RGB। यहाँ पे फॉरवर्ड 5+X की स्पीड से होगा। और यहाँ पे अब लिखेंगे राइट राइट की और मूव हो, कितनी 90 डिग्री में मूव हो, 0.99। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन।
अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज छूट गया था लिखना, वो है कलर मोड। कलर मोड 255। अब ये जाके रन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रन हो रहा है। ये अपने आप एक ऐसा ड्राइंग बना लेगा। आप इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको अभी क्लोज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये अभी 90 लिखा था, इसीलिए 90 डिग्री के हिसाब से रोटेट हो रहा था, यानी कि स्क्वायर। मैं इसको सिंपली 50 कर दूंगा तो ये सर्कल हिसाब से रोटेट होगा। यहाँ पे आप देखिए, अब ये सर्कल हिसाब से रोटेट होगा। देखिए सर्कल सर्कल, अब ये सर्कल ही रोटेट होगा। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे अब हम ये इधर भी चेक कर लेते हैं। ये है बैकग्राउंड कलर ब्लैक, तो मैं इसको सिंपली चेंज कर देता हूँ वाइट में, वाइट। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो बैकग्राउंड जो ब्लैक आ रहा था वो वाइट हो जाएगा और सेम टू सेम वैसा ही रन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड वाइट हो गया है और ये रन हो रहा है अपना। वैसे ही इसका कितना डिग्री में चाहिए, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200, तो यहाँ पे अभी ये एक स्टार फॉर्म में होगा, एक फ्लावर ये बनाना स्टार्ट करता है। ये सिर्फ स्टार बनाता जा रहा है, स्टार स्टार स्टार। हमने इसको राइट ओर से किया, इसीलिए राइट साइड से हो रहा है। अगर हम इसको लेफ्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो जाएगा होना। इधर से अगर हम इसको लेफ्ट लिख देते हैं तो ये लेफ्ट साइड से होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये अब उल्टा रोटेट हो रहा है। तो ऐसे आप मैनेज कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और इसका सोर्स कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं आपने लिखा है वो ठीक है कि नहीं, वरना आप मेरा भी सोर्स कोड लेकर चला सकते हैं। अगर आप मेरे ब्लॉग में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।